सो आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? बायो सेवर्ट का नियम। दो साइंटिस्ट थे, एक बायो था और दूसरा सेवर्ट था। उन्होंने मिलकर एक नियम दिया और वो नियम किसके लिए था? स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो ये एक उन्होंने के लिए एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई उन्होंने बहुत लंबी लंबाई ली और उसको हमने एक्स वाई लंबाई बोल दिया। लेकिन उन्होंने जो नियम दिया था वो पूर्ण लंबाई के लिए नहीं था, उन्होंने किसके लिए दिया था? अल्प लंबाई के लिए। तो हमने यहाँ पर जो ए बी है एक अल्प लंबाई ले ली इसमें, और अल्प लंबाई को हमने क्या बोल दिया? डी एल। और इस चालक में जो धारा वह ली थी वो क्या थी? आई। यहाँ से कोई दूरी हमने ली आर और पॉइंट क्या लिया है? पी। जिस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का की गणना करना है। और ये डी एल के साथ में जो पी बिंदु है मतलब आर के जो है वो क्या कोण बना रहा है? तो वो कोण क्या बना रहा है? थीटा, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये नियम के अनुसार क्या है? तो नियम के अनुसार बोलते हैं कि जो यहाँ से यहाँ पर जो धारा जब इसमें से बहेगी तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र डीवी मिलेगा वो कैसे कौन कौन सी क्वांटिटी पर निर्भर करेगा? तो बोला जा रहा है कि डीवी समानुपाती मीन्स अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। अगर ज्यादा धारा उसमें से प्रवाहित होगी तो उसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। डीवी समानुपाती डीएल के, डीवी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के। इसका मतलब है अगर दूरी बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप ये पी को यहाँ लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये पी को शिफ्ट करते आप यहाँ लाओगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? डीवी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इनको हमने एक दो तीन चार इक्वेशन का नाम दिया, सभी इक्वेशन को हमने मिलाए तो हमें मिल गया डीवी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आ गया आर स्क्वायर। और जब भी हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो हमें बराबर लिखना होता है, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी किया और अदर जो चैप्टर्स में उनमें भी किया है, क्लास 11th में भी हमने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में किया है। और उसकी जगह पर कोई ना कोई नियतांक, जैसे उसमें कैपिटल जी आया था और फर्स्ट चैप्टर में स्मॉल के आया था 1/4πε0, वैसे का वैसे यहाँ पर आ जाएगा μ0/4π, जिसका मान होगा वो 10⁻¹। इसका पूरे का मान कितना होगा? 10⁻¹। μ0/4π का मान होगा 10⁻¹। इसकी इकाई भी होती है, इकाई में आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी इसमें जितना नोट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी क्या होगी? कोई ना कोई यूनिट आएगी। यूनिट निकालना बहुत सिंपल है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? टेस्ला। और ये आर स्क्वायर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। आई का हो जाएगा एम्पियर, डीएल का हो जाएगा मीटर, और साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है। अब उसको अरेंज करके हम इसकी यूनिट बना सकते हैं, वो अभी मैं और नेक्स्ट उसमें बना बता दूंगा। इसके बाद में ये हमारा परिमाण आ गया था। ये क्या आ गया था? परिमाण। लेकिन बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको हम सदिश रूप में भी लिखते हैं, तो सदिश रूप में लिखने के लिए हमने डीवी पर क्या लगाया? वेक्टर। अब वेक्टर आ गया तो ये वाला तो परिमाण था, दिशा बताने के लिए हमने क्या लिया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता है एकांक सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश बटे परिमाण। अब ये आर वेक्टर हो गया, ये डीएल ऑलरेडी वेक्टर में होता है। अब ये आर वन और आर टू मिलकर ये क्या हो जाएंगे? आर थ्री। और ये हो जाएगा आई डी एल आर साइन थीटा। अब हम इसको किस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा तो हमें ये मिल गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला। इसलिए हमने साइड में डेरिवेशन के बाद में लिख दिया है टेस्ला। आई होप इतना समझ में आया होगा।